हे वाइटीवियंस की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा जो आपके ट्रैवल को बहुत ही स्मूथ बनाने वाली है। यदि आप दिल्ली से मनाली जाना चाहते हैं, दिल्ली से लेह लद्दाख जाना चाहते हैं, या मनाली से लेह लद्दाख जाना चाहते हैं, या वापस लेह लद्दाख से मनाली या दिल्ली आना चाहते हैं, ऐसे ट्रैवलर्स के लिए इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। और इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आज ही वाईटी भारत चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अभी वाईटी भारत के सब्सक्राइबर्स आपके सामने पैंगोंग लेक का सैर कर रहे हैं और कुछ ही देर में पैंगोंग पहुंच करके ये वहां पर अपनी बहुत ही मेमोरेबल यादगारों के साथ अपनी फोटोग्राफ्स क्लिक करवाएंगे और उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। और आप भी इसी हफ्ते की वीडियो और फोटोग्राफ्स का आनंद लीजिए। दोस्तों अब आ जाते हैं असली मुद्दे पर और आपको एक एक करके मैं आपको 5 पॉइंट्स के अंदर बताने जा रहा हूं वो जानकारी जो मैंने आपको प्रॉमिस करी वीडियो के स्टार्टिंग में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा अगर आप मनाली टू लेह या लेह टू मनाली में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप मनाली टू लेह वाया रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो क्या आपको जाना चाहिए या अटल टनल के रूट को आपको फॉलो करना चाहिए। तीसरे पॉइंट में आपको बताया जाएगा कि क्या आप मनाली से बाइक रेंट करके पूरा लेह लद्दाख घूम सकते हैं कि नहीं। चौथे पॉइंट में आपको बताएंगे क्या आप दिल्ली से अपनी प्राइवेट कार या बाइक लेकर के लेह लद्दाख घूम सकते हैं कि नहीं। पाँचवें पॉइंट में बताया जाएगा क्या दिल्ली टू मनाली वॉल्वो बस चल रही है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों यदि आप हिमाचल प्रदेश के अंदर एंट्री करना चाहते हैं इंडिया के किसी भी कोने से तो अभी आपको आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन आप फिर भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट को कैरी करिए क्योंकि कहीं भी आरटीपीसीआर की रिक्वायरमेंट आपसे पड़ सकती है बीच में। और यदि आपको आगे मैं वीडियो बताऊंगा यदि आपके पास वो रिपोर्ट नहीं है तो आप कहाँ एंट्री नहीं कर पाएंगे, बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यदि हिमाचल में एंट्री करनी है तो मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि आपको एक ऑनलाइन ई पास बनवाना पड़ेगा और ऑनलाइन ई पास को लेकर के आप मनाली में एंट्री कर सकते हैं क्योंकि ये जो ई पास है वो हिमाचल के लिए ही वैलिड होता है। दोस्तों अब आपको बता देते हैं यदि आपको जाना है मनाली से लेह या दिल्ली से लेह तो लेह और लद्दाख के अंदर घूमने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है 96 आवर्स के अंदर की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर के ही आप एंट्री कर सकते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया ये होगा कि आप हर समस्या को समाप्त करने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी कैरी करें और हिमाचल प्रदेश में एंट्री करने के लिए आप कैरी करें एक ई पास। और यदि आप डायरेक्ट आ रहे हैं फ्लाइट से तो आपको लेह लद्दाख के लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट पड़ेगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट की। दोस्तों आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर जो मेरा था, क्या आपको अगर आप जा रहे हैं मनाली से लेह तो आपको क्या जाना चाहिए रोहतांग पास के थ्रू या आपको जाना चाहिए अटल टनल के थ्रू। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रोहतांग पास अभी इसी हफ्ते खोला गया है टूरिस्ट के लिए, लेकिन अगर आप बाइक लेकर के जाना चाहते हैं वाया रोहतांग पास से आप लेह जाना चाहते हैं तो अभी बहुत रिस्की है, रोड स्लिपरी है, इसी हफ्ते बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है तो अभी गवर्नमेंट रिकमेंड नहीं कर रही है बाइकर्स को वहाँ से जाने के लिए। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर आप मनाली से लेह जाते हैं तो 46 किलोमीटर कम पड़ता है यदि आप अटल टनल के थ्रू जाते हैं होते हुए आप लेह, तो इसकी बहुत सारी एडवांटेज हैं। आपको हमेशा अभी के लिए मनाली से लेह जाने के लिए अटल टनल को फॉलो करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोहतांग पास अगर आप जाते हैं तो आपको मैनुअल जाकर के परमिट बनवाना पड़ेगा यदि आप मनाली से रोहतांग पास ले जाना चाहते हैं,
तो परमिट बनवाना पड़ेगा, हालांकि अभी बन नहीं रहा है लेकिन भविष्य में बनवाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि आप बिना परमिट के एंट्री कर सकते हैं यदि आप मनाली अटल टनल होते हुए जाते हैं लेह। तो अभी की सिचुएशन में आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप मनाली से लेह अटल टनल के थ्रू जाएं। 46 किलोमीटर कम पड़ेगा, आपको कोई भी परमिट नहीं बनवाना पड़ेगा और आपकी जर्नी बहुत ही स्मूथ होने वाली है, क्योंकि अटल टनल की जो रूट है वो ज़बरदस्त है, ये दुनिया में सभी लोग जानते हैं। तीसरे पॉइंट पर आपको मैं बताता हूँ, क्या मनाली से बाइक रेंट करके पूरा लेह लद्दाख घूम सकते हैं। दोस्तों इसकी डिटेल वीडियो में आगे, अगर आप वीडियो पर कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि डिटेल्ड वीडियो बताइए क्या क्या नियम है, तो मैं आपको पूरी हिस्ट्री भी इसके साथ में बता दूंगा। लेकिन अभी संक्षिप्त में आपको मैं बताता हूं कि मनाली से यदि आप बाइक रेंट करके लेह में एंट्री करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। कॉमर्शियली कोई भी बाइक टैक्सी मनाली से एंट्री करने के लिए वैलिड नहीं है, वहाँ पर आपको रोक दिया जाएगा। और जैसा कि नियम ये पहले से ही लागू हो चुका है, यदि आप वापस लेह लद्दाख से होते हुए मनाली में एंट्री करना चाहते हैं तो आप एंट्री कर नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा ये होगा कि अगर आप रेंट करना चाहते हैं मनाली से बाइक, तो आप मनाली से केवल लेह तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद वापस लेह से आपको वहां पर बाइक रेंट करके आगे लेह लद्दाख घूमने के लिए बाइक को पेमेंट करनी पड़ेगी। और एक सूचना और है कि वहां का जो रेंट है वो मनाली के कंपैरिजन में हमेशा से ज़्यादा रहता है बाइक का रेंट। और नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो मनाली में बाइक का रेंट भी मैं आपको बता देता हूं, लगभग पड़ता है 1000 रुपये से लेकर के 1800-2000 के बीच में, और जो लेह का रेंट है वो हमेशा 400-500 रुपये के आसपास ज़्यादा होता है मनाली से कंपैरिजन अगर हम करें तो। ये जानकारी आपको कैसी लग रही है वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करिए कि आपको और ज़्यादा डिटेल में जानकारी आगे की वीडियो में लगातार दी जाती रहेगी। अब अगली हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन है दिल्ली से अपनी प्राइवेट बाइक या कार लेकर के क्या लद्दाख घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल चीज़ है जो अभी पिछले क्वेश्चन से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों यदि आपके पास अपने नाम का प्राइवेट व्हीकल है, कोई बाइक है, कोई कार है, तो आप इजीली लेह लद्दाख में एंट्री कर सकते हैं, घूम सकते हैं। या यदि आपके कोई ब्लड रिलेशन में किसी की गाड़ी है उसको लेकर के भी आप लेह लद्दाख में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी और के नाम पर वो बाइक है, वो कार है, तो आपको उससे NOC लेनी पड़ेगी और NOC में लिखवाना पड़ेगा अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, उसका गाड़ी का व्हीकल नंबर, उनका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और उनका व्हीकल नंबर। इस तरह से आपको NOC बनवा करके रखना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा, और लेह लद्दाख में जब आप घूमें तो उसको बार बार आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आपकी यात्रा में किसी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो सके। और यदि ये डॉक्यूमेंट आप कैरी नहीं कर सकते हैं तो आपको बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम रास्ते में आएंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अगला और लास्ट पॉइंट पांचवें नंबर का आपको बताते हैं, क्या दिल्ली से मनाली की वॉल्वो बस चल रही हैं। दोस्तों मैंने इसका एक लेटेस्ट वीडियो इसी हफ्ते मैंने बना करके YT भारत पर डाला था, लेकिन कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज कर रहे हैं कमेंट करके कि हाँ दिल्ली से मनाली की वॉल्वो बस चल रही है। लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ कि अभी दिल्ली से मनाली की कोई भी वॉल्वो बस नहीं चल रही है। हो सकता है ये जुलाई के महीने में, अगर कोविड के केसेस इसी तरह से लगातार कम होते रहे तो जुलाई के महीने में 100% ये वॉल्वो बस को ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन अभी केवल हिमाचल स्टेट की बसें ही हिमाचल के अंदर चल रही हैं, और वो भी केवल जो गवर्नमेंट की बसेज हैं वही चल रही हैं। प्राइवेट बसेज ने अभी वहाँ पर हड़ताल कर रखी है, उनकी अलग अपनी अलग मांगे हैं। और इसीलिए यदि आप दिल्ली से मनाली जाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कार का टूर पैकेज लेकर के जा सकते हैं, जिसका वीडियो इसके बाद आने वाला है। उस पैकेज को लेकर के आप जा सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। और लेह लद्दाख का यदि आप फिक्स डिपार्चर पैकेज लेना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करिए, उस पैकेज को देखिए जो फिक्स डिपार्चर पैकेज है, जून जुलाई में आप उसे लेकर के घूम सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। और लगभग अभी 100 के आसपास हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर इस पैकेज को लेकर के जा चुके हैं, बुक करवा चुके हैं, और वो अपनी वीडियोस को भी शेयर कर रहे हैं हमारे साथ और आपके साथ। इसी तरह की बहुत ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमेशा YT भारत चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों नमस्कार।
सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में।